Good morning, everyone. Last class we had started with internal reconstruction, right? So internal reconstruction, it's a scheme of reconstruction adopted by companies, those who are having huge accumulated losses and fictitious assets in the balance sheet, right? So क्या होता है, कंपनी काफी दिनों से लॉसेस में है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बंद करके घर पे बैठे या वो रिकंस्ट्रक्शन जा सकता है। रिकंस्ट्रक्शन में यू कैन आइदर गो फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे अच्छा अच्छा एसेट्स एक नया कंपनी बनाते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं, तो आपको नया से सारा ब्रांडिंग वगैरह करना पड़ेगा। और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है विदाउट शटिंग डाउन द एग्जिस्टिंग कंपनी, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। यू कैन जस्ट सेट ऑफ और यू कैन जस्ट एलिमिनेट ऑल द एक्यूमुलेटेड लॉसेस बाय डूइंग अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद द लेंडर्स, डिवेंचर होल्डर्स वगैरह से। तो अपने लेंडर्स और डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स लोग को क्या बोलेंगे, देखिए अगर हम कंपनी को बंद कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलने की से आप कुछ मिलने की आशा से जुड़े रहिए, राइट? तो आप अपना लाइबिलिटी वेव करिए एंड बाकी का लाइबिलिटी के मैं आपको इक्विटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है, राइट? सो वी एज अ प्रोफेशनल वी विल बी रिक्वेस्टेड टू ड्राफ्ट द स्कीम एंड द स्कीम नीड्स टू बी अप्रूव बाई द कोर्ट एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर द कोर्ट गेट्स अप्रूवल बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोगों को नेसेसरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करना है एंड नया बैलेंस शीट बनाना है। नया बैलेंस शीट में हम लोग एंड रिड्यूस वर्ड ऐड करेंगे। सो लास्ट क्लास वी हैड डन नंबर 3, सारा जर्नल एंट्रीज हो चुका है। अभी हम लोग को इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के चेक करना है कि टोटल जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो पूरा सेट ऑफ हुआ कि नहीं, राइट? और मैंने बताया था अगर डेबिट बैलेंस होगा तो गुडविल में जाएगा और इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, राइट? चलिए, सो नाउ लेट अस क्विकली प्रिपेयर कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। राइट, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख प्रॉफिट है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख, ओके। द वेव्ड पार्ट लिखेंगे यहां पे, हाँ, बाय डिवेंचर अकाउंट हाउ मच, 20,000, यस और नो? देन बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर वाला कितना, 5,000, और क्या, और कहां कहां से प्रॉफिट आया? बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसको एप्रिशिएट किया था 62,500, देन इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट 85,000, राइट? ये तो टोटल प्रॉफिट मैंने रेस किया है बुक्स में। नाउ क्या क्या लॉसेस सेट ऑफ किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में किया था, याद है? प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट किया ना, चौबीस हजार, टू बैंक, साढ़े बारह हजार है ना, जो पेनल्टी हमने दिया था, ये लॉसेस था। टू सन्ड्री एसेट, इसमें काफी सारा एसेट्स था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, कितना टोटल था उस जर्नल एंट्री का, 836। और कुछ है क्या? नहीं है ना, सो लेट्स डू द टोटल, 872। द स्कीम इज परफेक्टली ड्राफ्टेड, तो ये आप एग्जाम में ये वर्किंग नोट में ये चीज बना के आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा
स्कीम हमारा परफेक्टली ड्राफ्ट हुआ है, जितना हमको चाहिए प्रॉफिट्स उस हिसाब से हमारा स्कीम ड्राफ्टेड है। ठीक है, डन। सो नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। सो जस्ट मैं देख लेता हूं कंपनी का नाम क्या है, ए एन कंपनी लिमिटेड, एंड कंपनी लिमिटेड, एंड रिड्यूस्ड अगर ऐड नहीं किया तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे टी फॉर्मेट में नहीं बनेगा, राइट। एसेट, नोट्स, अमाउंट, सबसे पहले एसेट में भी कौन सा लिखूंगा मैं, नॉन करंट एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट्स। आप चाहें तो आप नोट वन बना सकते हैं, नहीं तो दरकार नहीं भी है, राइट। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी फिक्स्ड एसेट इज द एग्जिस्टिंग टर्म, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 उसका नाम अब फिक्स्ड एसेट नहीं है, पीपीई है। सो आई अपोलॉजी, सो पीपीई लिखेंगे, समझ में आया। ओके, पहले इक्विटी लाइबिलिटीज है। ओके, एक्चुअली आई एम ऑल्सो टीचिंग एक्चुअरियल साइंस यूके का एंड यूएस सीपीए, तो उसमें पहले एसेट से शुरू होता है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, नो वरीज। सो फर्स्ट इट विल बी, अगर आप यूके का देखेंगे ना फॉर्मेट, तो पहले उसमें एसेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूएस सीपीए में भी पहले एसेट्स होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, नो वरीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले है हमारे यहाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा शेयर होल्डर फंड आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आएगा, राइट। नाउ शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर। तो आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। पहले हम लोग सोर्स ऑफ फंड लिखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखेंगे। फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाएंगे, यूके में, यूएस में, पहले हम लोग एसेट लिखता है, उसके नीचे दे राइट सोर्स ऑफ फंड। सो डिफरेंट कंपनीज यू, डिफरेंट कंट्रीज यू विल गो एंड वर्क, सबका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। हम लोग जो पीएल का फॉर्मेट बनाते हैं ना, द पीएल टाइप ऑफ पीएल विच वी प्रिपेयर, ये नॉन फंक्शनल पीएल है। जो कंपनीज एक्ट में जो पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है वो नॉन फंक्शनल है, जैसे टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यूके में जो पीएल का फॉर्मेट होता है, दैट इज लाइक सेल माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, उसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर इनकम प्लस माइनस, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, इस तरीके से। तो उसको फंक्शनल पीएल बोलते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, आपको सब चीज जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू ओनली इंडियन कंपनीज, यू कैन ऑल्सो गो अब्रॉड एंड वर्क, राइट।
जहां अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वहां काम करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली जब आपका कहीं पे सिलेक्शन होगा या किसी भी कंपनी में आप जब अप्लाई करेंगे तो यू विल ऑलवेज पोजेस सम रिक्विजिट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। रिसर्च करके जाएंगे कंपनी के बारे में तो ऑटोमेटिकली आप पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? एनीवे, सो शेयर कैपिटल हमारा 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस तो नोट्स बनाने का दरकार ही नहीं, स्ट्रेट अवे वो 0 है। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ है ही नहीं ना, जो लॉस था उसको हम लोग सेट ऑफ कर दिया, राइट? अब हम लोग यहां पे चाहे तो हम लोग नोट 1 बना सकता है शेयर कैपिटल का। अच्छा, वी मिस्ड आउट 1 जर्नल एंट्री लास्ट डे जो हम लोग को करना था, जस्ट आपको बता देता हूं, वी मिस्ड आउट 1 जर्नल एंट्री यहां पे, ये जो सेट ऑफ हुआ ना इसके बाद हमारा एक नया इश्यू हुआ था डिबेंचर होल्डर का। हालांकि इसके लिए कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए सेकंड पार्ट, 130,000 का नया डिबेंचर इश्यू किया है, दे हैव प्रोवाइडेड एडिशनल फंड्स, तो इसके लिए नया एंट्री होगा। राइट, तो ये इश्यू वाला एंट्री हमारा मिस आउट हो गया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो नाउ शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट वाली क्लास में अभी आपको कुछ नहीं करना, अगर किसी को फॉर्मेट नहीं भी याद है ना तो देखो फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लाइबिलिटीज है, ये नीचे एसेट्स, इनको बदल के लिखने का है मेरे को। So even if you don't know the format, you don't have to worry. Simply replace the figures. कोई अगर बच्चा बोलता है मैंने कंपनी, थोड़ा स्मार्ट भी खेलना है एग्जाम में। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ाया ही नहीं, आप हमको बैलेंस शीट करवा रहे हैं। बेटा बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, आपको खाली चीजों को रिप्लेस करना है, तो इसमें मैं क्या ट्रेनिंग दूं, इसमें कोई ट्रेनिंग का दरकार ही नहीं है। सर मेरे को ना फॉर्मेट रटा हुआ नहीं है, फॉर्मेट रटा हुआ नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे बकवास ही बातें सुनो, हमारे इंडिया में जो टेस्टिंग पैटर्न है ना माँ वाहियात है, बच्चे फॉर्मेट लर्न करके क्या करेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए ये आइटम कौन से हेड में आएगा, फॉर्मेट तो रेडीमेड बना हुआ रहता है। मैं अभी एक्सेल में बनवा रहा हूं, मैंने ये फॉर्मेट आपको एक्सेल में बनवाना है, अब मैं हर बार थोड़ी एक मैं इसी को कॉपी करके फिगर रिप्लेस करूंगा, मैं स्मार्ट खेल रहा हूं। वही अगर मैं कॉपी पेन में लिख रहा होता तो मेरे को तो हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर्मेट याद रखना कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चलो रेलिवेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के भी रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। मैं उसको रट रट के क्या करेगा मैं, राइट? सबका अपना अपना सोच होता है। एनीवे, सो मैं नोट नंबर 1 बनाएगा, ये मैं साइड बाय साइड बना रहा है, आप लोग को जगह छोड़ के नीचे बनाने का है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, 75,000 शेयर था 10 वाला, उसको मैंने 2 वाला बना दिया।
आगे मैंने 12,000 प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया, 45,000 डायरेक्टर को दिया, तो कुल मिला के कितने हो गए, 75, 45 और 12 कितने होते हैं, 1,32,000. सो 1,32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड कितना आएगा बेटा, 2,64,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने का है, 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच, 4,000 ऑफ ₹75 ईच फुल्ली पेड, हाँ 3,00,000. सो आएगा हमारा 564. सिंपल, और कुछ करना थोड़ी है इसमें, खाली नंबर ऑफ शेयर्स आपको याद करके देख लेना कितना है. इस तरीके से एग्जाम में हमारा यहाँ पे भी नोट बनाया हुआ, देखो नोट्स टू अकाउंट्स नीचे बनाया हुआ, हम भी वैसे बना लेंगे. खाली नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज है क्योंकि आई हैव इशूड न्यू शेयर्स टू द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टू डायरेक्टर्स. घर की खेती है, यूज करो. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में एडिशनल फीस पेमेंट कर देंगे शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो, और आराम से इश्यू कर दो. राइट, टेंशन भी नहीं है, बिकॉज दे विल बियर द रेसिडुअरी रिस्क. राइट, कहीं ना कहीं इनको भी मालूम है अगर कंपनी सक्सीड नहीं कर पाई तो ये लोग गया काम से. इन शॉर्ट, ठीक है ना, तो यहां नोट में मैं लिख दूंगा 564. डन. अब हमारा आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना. नॉन करेंट लायबिलिटी में यहां देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको मैंने नोट टू दे देना है. नोट पहले क्या होता था, 1956 में शेड्यूल्स होते थे, वो शेड्यूल का नंबर फिक्स होता था. राइट, बट अभी क्या है, वो शेड्यूल नंबर नहीं है, जिसमें है जिसका नोट बनाना है उसी का बनेगा. तो मैं यहाँ पे नोट टू बनाऊंगा. मैंने यहाँ पे LTB लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मैंने नोट टू बनाना है. पहले हमारे पास 6% पुराना डिबेंचर, पुराना डिबेंचर देखो 6% है, 375. इसमें एक 20 का सेटलमेंट हो गया, प्लांट 1,00,000 का गया, फ्री होल्ड 1,00,000 का गया, बट सेटलमेंट एक 20 का हुआ है. तो पुराने वाले में 2,55 बचेगा और नया जो 8% डिबेंचर्स है उसका आएगा 130. तो कितना हुआ, ठीक है ना. नेक्स्ट आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज. राइट, तो इधर में अगर मेरे को देखने का है, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है ना,
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओडी 195 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 130 तो उससे आया नया डिबेंचर से, और 1,40,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, लेकिन हमारा कैश आउटफ्लो उतना नहीं है, तो अब ये बैंक पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? और हमारा अदर करेंट लाइबिलिटी जो है उसमें डायरेक्टर लोन भी उड़ गया और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, है ना? तो ये तो आने नहीं, तो सीधा मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैंने ट्रेड पेबल्स लो 3,00,000, यहीं पे सीधा हमारा आ गया ट्रेड पेबल 3,00,000, राइट? दैट्स इट। सो टोटल आएगा $12,49,000, डन। अब हमको बनाने हैं एसेट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे नॉन करंट एसेट, पीपीई आएगा इसमें सबसे पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसमें 3 नंबर बना लो, तो यहां पे हमने बनाना है नोट 3 पीपीई, पीपीई में देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट है, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का तो नया फिगर आपको मालूम है, $387,500 रिवैल्यू के बाद, और प्लांट हमारा एज इट इज 50 है, $437,500 ठीक है ना? सो 437,500 और कुछ है कोई एसेट? नथिंग। अब हमारा आएगा करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले आएगा इन्वेंटरी, सीधा नया फिगर लिख दो क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है ना, $4,25,000 का, इसमें 65 राइट ऑफ होगा, है ना? कितना होता है? $4,25,-65 कितना है बेटा? 3। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 485,-68,500 हाँ, 4,16,500 बैंक माइनस 195 था प्लस 130 प्लस 140 माइनस 12,500 माइनस 5,000 माइनस 22,500
सही है ना, तीन जगह पैसा गया है, ये नेगेटिव था और दो जगह आया है, कितना बैलेंस आएगा बेटा? हाँ 35,000 इक्वल टू सम, आगे लो, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा। इंटेंजिबल एसेट खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, उसका नोट बनाना नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटी का भी नहीं बनाना। सो बैंक में हमारा मेजर चेंज था, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा लॉसेस, मेन हमारा लॉसेस था, ये हमारा जो लॉस है ना, ये लॉस हमारा जीरो हो गया। ये प्रोसेस का फायदा यही है, इसको हटाने का है, जितने भी दीमक थे इन सब दीमक को हटाया, स्टॉक से जो ऑब्सोल्यूट स्टॉक हो गया उसको हटा दिया, डेटर में जो बैड हो गया उसको राइट ऑफ कर दिया। काफी दिन बैंकिंग कंपनीज जो इतने स्कैम्स हुए, बैंकिंग कंपनीज उस लोन को पाल रखी थी। पहले आपके एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप टू में बैंकिंग कंपनी था, लेकिन एज पर नया सिलेबस अब वो बैंकिंग कंपनी नहीं है। तो उसमें आरबीआई गाइडलाइंस दे दिया कि अगर आपका लोन इतना पुराना है तो आपको इतना प्रोविजन बनाना है, इतना दिन से आपको पैसा नहीं मिला तब उसको राइट ऑफ करिए, काफी सारा गाइडलाइंस है आरबीआई का। एनीवे, सो ये सबको समझ में आ गया। ओके, सो नाउ वी विल टेक अप अनदर प्रॉब्लम। इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मैंने बता दिया है। 1249 हमारा बैलेंस शीट टोटल आ गया। कभी भी सॉल्यूशन देके नहीं करना है, राइट? अगर सॉल्यूशन देके करेंगे तो फिर यहां आके कोई फायदा नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल बैलेंस शीट है, देख लो। रीबिल्ड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉस है, ये इसी को राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट जनरेट होगा बाई टेलिंग डिवेंचर होल्डर टू वेव समथिंग, क्रेडिटर्स इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ वेव करवाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चल रहा है, लोन ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल है, ये भी राइट ऑफ होगा, वर्थलेस है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बोले चाहे नहीं बोले, इन सबको अपन राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है नहीं, ठीक है। शेयर कैपिटल में इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल, और प्रेफरेंस डिविडेंड 5 साल से अरियर पड़ा है। अब देना है कि नहीं देना? अगर नहीं देना तो कुछ करने का दरकार नहीं, क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी का वेव होता है तो कुछ करने का दरकार नहीं, लेकिन अगर पे ऑफ करेंगे तो इट्स अ लॉस टू द कंपनी, राइट? डेबिट बैलेंस दिया, लोन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट में बिल्डिंग है, प्लांट है, इधर में ट्रेडमार्क गुडविल है, चलो ठीक है। कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का रजामंदी तो होना ही चाहिए ना, कोर्ट का तो अप्रूवल चाहिए, लेकिन उसके पहले आप अपना आदमी को तो पहले ये रेडी करिए। आदमी जाके कोर्ट में बोला, आई हैव नॉट अग्रीड फॉर इट, हु इज टेलिंग यू आई हैव नॉट अग्रीड फॉर इट, व्हाई विल आई गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट? तो कहीं ऐसा नहीं हो। अ समरी ऑफ द स्कीम इज एज फॉलोस, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड दैट, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर ने अग्री क्या किया है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड दैट देयर 50 रुपीज का जो शेयर है ना, शुड बी रिड्यूस टू 2.5 बाई कैंसिलेशन ऑफ 47.5 पर शेयर। दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर नया 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। मतलब पहले गिरा दो, पहले तो जो आपको रिडक्शन करना दैट यू डू, नाउ यू नीड मोर फंड्स। अभी तो मैंने आपको लॉस बैलेंस शीट से हटाने के लिए आपसे कैपिटल वेव करवाया है, लेकिन अब पैसा भी तो चाहिएगा, जज्बा से काम नहीं होगा। हम लोग नया शीरा से काम, हम लोग नया तरीके से काम चालू करेंगे, एवरीथिंग विल बी न्यू, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेटिव आइडियाज, मैं जान लगा दूंगा, ये कर दूंगा, बोले ठीक है। तो सबसे पहले दीमक हटाना पड़ेगा, दीमक हटाने के लिए सफाई करनी। सफाई कैसे होती है? लाइबिलिटी से, इक्विटी शेयर होल्डर से, इनको बोलते हैं आपका जो अमाउंट है जो हमारे बुक्स में दिखाया हुआ है, यू हैव टू वेव सम पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू फोरगो दैट,
सो पहले फोरगो करवाया, फोरगो हो गया, अब उनसे बोलता है आप नया शेयर और खरीदिए, फ्रेश इश्यू लेके आइए। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा नहीं करना पसंद करेंगे, ऑलरेडी मेरा जो दिया वो तो नुकसान है ही, आज अगर कंपनी बंद हो जाए कुछ नहीं मिलेगा, और ही हमसे मांग रहा है। लेकिन और जब हम तभी देंगे जब इसका जज्बा हमको दिखेगा, सामने वाले का बोर्ड, जब शेयर होल्डर का मीटिंग होगा उसमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा यस वी विल बी डूइंग इट। या मान लो पूरा फैमिली ग्रुप में ही शेयर्स है, ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर हाँ बोल दिया है, तो काफी सारा चीज होता है। एनीवे इक्विटी शेयर होल्डर हैव अग्रीड दैट देयर 50 रुपीज शेयर, मतलब दिस इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो फर्स्ट पार्ट इज रिडक्शन एंड देन फ्रेश इशू। तो मैंने तुमसे लास्ट क्लास बताया था 50 रुपए वाला शेयर लिया, बदले में तुमको 2.5 रुपए वाला शेयर दे दिया, नंबर ऑफ उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर उतना ही रहेगा। तो बैलेंस शीट में कितना शेयर है देखो, शेयर्स 50 का, तो 15,000 ये 2.5 वाला बन जाएगा, हाँ है ना, क्लियर, ठीक है। और फिर 45,000 शेयर्स का फ्रेश इश्यू होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, दैट्स नॉर्मल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अग्रीड टू कैंसिल अरियर ऑफ डिविडेंड, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, यू हैव वेव्ड, ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे बुक्स में थी नहीं, नहीं देनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू एक्सेप्ट फॉर 50 रुपीज का शेयर, अच्छा उनके पास में जो 50 रुपया वाला शेयर है ना, एक प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाला है, उसके बदली में वो 4 नया प्रेफरेंस शेयर लेंगे, 10 वाला नया एक्सचेंज हो रहा है। ऊपर वाले केस में क्या है, तुमसे जो मैं 50 का शेयर लिया उसको फाड़ के मैं 2.5 वाला बना के दे दिया, नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पे एक 50 का शेयर ले रहा हूं बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं 10 वाला, राइट, वैल्यू गिरा नहीं रहा, जो है वो दो अब नया से मैं तुमको दे रहा हूं, राइट, और 6 इक्विटी शेयर दे रहा हूं 2.5 वाला, तो 4 प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं 10 वाला, हाँ 40 का ये हो गया, और 6 प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं 2.5 वाला, 15 का ये हो गया, तो मिला के होता है 55। अब तुम लोग बोलोगे सर आप 50 का कैपिटल को 55 में कन्वर्ट कराए, 5 साल का डिविडेंड भी तो वेव करवाया, तो जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो डिविडेंड का कॉम्पेंसेशन समझ लो, वैसे भी तो प्रेफरेंस डिविडेंड देते तो लॉस होता ना, कुछ नहीं करना, नया क्या है पुराना क्या था, डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन, ठीक है। लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 1,50,000, सारा लेंडर से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, 1.5 लाख वाला लेंडर क्या बोलता है, हैव अग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर एंड फॉर दिस पर्पस दे 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे 10 वाला, तो 1,20,000 हो गया, और 12,000 इक्विटी शेयर दे रहे 2.5 वाला, तो 30,000 हो गया, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, जितना है उतना के लिए शेयर दे दो, सिंपली लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। डायरेक्टर्स हैव अग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर, फ्रेश इशू, ये भी ऊपर वाला शेयर शेयर होल्डर वापस खरीदा, ये वाला डायरेक्टर खरीदा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द न्यू शेयर 2,00,000 इज यूज टू रिड्यूस द लोन, मतलब 2,00,000 रुपए का लोन रिपेमेंट किया है हमने, लोन को भी कम करना पड़ेगा। अब जो भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया है बुक्स में, द न्यू शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज अप्लाइड, मतलब जो भी रिडक्शन से प्रॉफिट अराइज हो ना, उससे पीएल का डेबिट बैलेंस हटाएंगे, प्लांट को हटाना है, बाकी का जो भी है उससे गुडविल ट्रेडमार्क हटेगा। नाउ यहां पे स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट के लिए बोल दिया, सर आपने तो बोला था पूरा राइट ऑफ करेंगे कुछ नहीं बोलेगा, तो लेकिन बोला ना, तो जितना बोला उतना ही राइट ऑफ करना है,
पूरा राइट ऑफ नहीं करना। शो बाय जर्नलिटीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर एफेक्टेड बाय द स्कीम एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इफ द ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। नॉमिनल कैपिटल एज reduce is to be increased to 6,50,000 for preferential capital, मतलब authorized capital just for presentation purpose. आज अपन जो note one में दिखाया वो paid up capital दिखाया, उसके ऊपर authorized बोल के double line, नीचे paid up, तो वो presentation है, उसे कोई matter नहीं करता. It's a very easy problem. We will do it quickly. आइए इक्विटी शेयर कैपिटल 50 वाला डेबिट, कितना होगा? 15,000 इंटू 50, 7,500 पुराना कैपिटल है, 2.5 वाला इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 15,000 इंटू 2.5 कितना? 37,500। टू कैपिटल डिडक्शन हाउ मच? 2.5 अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर न्यूली सब्सक्राइब्ड 15,000 है इंटू 3 That comes to 45,000 shares. पैतालीस हजार शेयर ये लोग नया खरीदा है, ठीक है? 45,000 shares they have purchased new.
तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव कितना आ रहा है, हाँ 12500, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,12,500 और फिर ये तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर में किया है बचपन में, पहले एप्लीकेशन बनी रिसीव फिर शेयर इश्यूड, बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड अलॉटेड जो भी बोलना है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट, राइट। अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ेगा और बैंक बढ़ेगा, सीधा सा मुद्दा है बस, कैपिटल एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसिल द अरियर ऑफ डिविडेंड, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वेव्ड। नो एंट्री एज लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब 50 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर है कितना, 12,000 शेयर्स है, 50 वाला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 50 वाला डेबिट, छह लाख 12,000 इंटू 50। अब एक लाइन छोड़ देंगे, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 वाला, नाउ 12,000 है, हर एक को चार दे रहा हूं 10 वाला, फोर लाख 80 आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ढाई वाला दे रहा हूं, 12,000 है, हर लोगों को छह दे रहा हूं ढाई वाला, कितना आ रहा है, 180, 80। पेमेंट करने गए तो लॉस हो गया,
डन। वैसे भी अगर ज्यादा इसलिए दे रहे क्योंकि 5 साल का डिविडेंड अरियर में था, वैसे भी कैपिटल के बदले में कैपिटल देते और फिर अरियर के लिए डिविडेंड देते तो वैसे भी लॉस आता, राइट। एनीवे हो गया। लोन के लिए क्या बोला है, 1.5 लाख का लोन सेटल हो रहा है, इनको 10 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, 10 वाला 1,20,000 और 12,000 इनको इक्विटी शेयर दे रहा हूं, 2.5 वाला 30। बींग लोन सेटल्ड बाई इशुइंग शेयर्स, कुछ भी लिख दिया करो। है, जनरल का फॉर्मेट बना लेना, डेबिट क्रेडिट और कुछ नहीं। वन टू थ्री हो गया। डायरेक्टर लोग एडिशनल पैसा दिया है, 40,000 इक्विटी से 2.5 वाला मतलब 1 लाख। सो ये एंट्री वापस से रिपीट होगा बट फिगर चेंज होगा। ये ऊपर वाला से अलग है, वो तो शेयर होल्डर लिया है एडिशनल शेयर और ये डायरेक्टर लोग लिया है। ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन चुकाया, बीइंग पार्ट लोन रीपेड, बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है बेटा। ये सब के लिए मतलब कोई अप्रूवल इश्यू के लिए नहीं चाहिए। अब आता है मजा, टोटल लॉस यहां पे राइट ऑफ होगा, पहले देखना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट कितना है। सात लाख 12,000 यहां जनरेट हुआ, ठीक है, फिर यहां 60,000 का लॉस हो गया, ठीक है, बस कितना आ रहा है डिफरेंस, 652, 652,500 का टोटल प्रॉफिट है, तो लॉस भी उतना ही होना चाहिए। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना बोल रहा है, 652,500, सो दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी डेबिटेड।
सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट को सेट ऑफ करो, 451। क्या सेट ऑफ हो रहा है? प्लांट कितना? थर्टी फाइव थाउजेंड। और कोई लॉस है? परफेक्टली ड्राफ्टेड स्कीम, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर यहां यूज हो गया। डन, बैलेंसिंग फिगर यहां पे यूज हो गया। अब नया बैलेंस शीट बनाना है ना हम लोग को। ठीक है, बनाइए आप लोग फटाफट नया बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। प्लीज स्टार्ट। नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? देखो 1,12,000 होगा क्या? पंद्रह था है ना? बोलो। देखो 15,000 था, 45 वो लोग और खरीदा, 60 हो गया, 40 डिबेंचर होल्डर लोग खरीदा, 1,00,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद लोन वाला को 12,000 दिया, 1,12,000, और लेंडर को कितना दिया? हाँ, 72,000 शेयर्स। लेंडर को 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, हर एक एक आदमी को 6 दिया। देखो
गिनो, ये 15,000 शेयर है, 45 इश्यू किया 60। इधर देखो 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, हर एक एक आदमी को 6-6 दिया, तो नंबर 72 हो गया ना। तो 15 45 कितना हुआ, 60, 60 और 72 132, और इधर में 12,000 दिया 144, और 40,000 ये इशू किया 184 आएगा। कितना आएगा 184 इंटू 2.5, हाँ प्रेफरेंस शेयर कितना है देखो, 12,000 प्रेफरेंस शेयर दिया है, हर एक एक को 4 प्रेफरेंस शेयर था, 48,000 है ना, और यहां पे 12,000 दिया तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर हो गया। प्रेफरेंस शेयर था 50 वाला, उसको हम लोग 48,000 प्रेफरेंस शेयर दिया 10 वाला, और अलग से फिर 12,000 दिया 10 वाला, तो कितना हो गया 60,000 प्रेफरेंस शेयर हो गया 10 वाला। लॉन्ग टर्म बोरिंग बनाने का दरकार नहीं है, यहीं पे कर देंगे। कितने का था 573, कितना आया है, 트레이드 페이블 में कोई चेंज नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है, 2,07,000 है 트레이드 페이블।
ठीक है। पीपी में बिल्डिंग है और प्लांट है। ये टू बनेगा। बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट 268 है, उसमें से 35 माइनस करो। कितना आ रहा है? 35,000 राइट ऑफ हुआ है। 268 माइनस 35,000, 633, 3 इनटैंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क एंड गुडविल कितने का है? 3 लाख 18। माइनस 166,500। तो नोट 3 में 15,150। इन्वेंट्री 4 का चार्ट, ट्रेड रिसीवेबल 328, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब बैंक में बदलाव आएगा क्या? 1,12,500 आया, प्लस 1 लाख आया, माइनस 2 लाख दे दिया, बस 12,500 टैली हो गया।
बहुत इजी चैप्टर है ये, आप लोग को ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, इससे आसान चैप्टर हो नहीं सकता एग्जाम में, एंड हाई स्कोरिंग आल्सो, पार्ट मार्किंग मिलता है जनरल एंट्री पूरा करेक्ट होने से। अगर एक जनरल एंट्री गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होएगा ही नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ एंट्रीज अगेन एंड अगेन आ रहा है। ऐसा कौन सा एंट्री था जो हम लोग पिछला समय नहीं किया? यहाँ पे खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ा के मिल रहा है, क्वेश्चन में बोला है इसे बढ़ा के दे रहे हैं। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह लाख पच्चीस हजार, 15,25,000, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, लेट अस डू दिस। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दिया है, लेजर बैलेंस दिया, बट अगर आप इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा मेरे ख्याल से। लेट अस फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम वंस, जस्ट रीड वंस, रीड करो, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स टाइम, प्लीज डू इट। आप लोग भी करिए ऑनलाइन में।
चलिए आइए। सो मैंने आपको 5-10 मिनट्स दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, अब मैं इसको करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए एक बार मोटा मोटी बैलेंस शीट टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे 2.5 करोड़ का यहाँ पे है, 20 लाख का इधर है। मार्केट वैल्यू इज जस्ट ए प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे ना, शेड्यूल कंपनी फाइनल अकाउंट का जो शेड्यूलिंग में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें वी विल सी राइट। एंड तो 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ का करंट एसेट, सो दैट कम्स टू 4 करोड़ 70 लाख, और 4 करोड़ 70 लाख एसेट साइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लायबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल है 1-2 करोड़, प्रेफरेंस शेयर है 1 करोड़, 3 करोड़ हो गया, डिबेंचर 80 लाख, सो 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 82 लाख, माइनस 12 लाख जो पीएल डेबिट बैलेंस है, तो 4 करोड़ 70 मैच हो गया। ठीक है, सारा इक्विटी शेयर को 40 में ले आओ। ठीक है, ले आएंगे। और प्रेफरेंस को 60 में ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर होल्डर को 70 में ले आओ और रेट बढ़ा के उसका 6 कर दो, ठीक है। प्लांट को गिरा दो, करंट एसेट को रिवैल्यू कर दो, इन्वेस्टमेंट को भी रिवैल्यू कर दो, ठीक है। एक क्रेडिटर है जिससे 40% फोरगो करवा लो और बाकी का उसको सेटल कर दो। फिर क्रेडिटर वैसे है देखा जाए 1 करोड़ का, उसमें से 40 लाख वाला से ही बात हो रहा है। टैक्स लायबिलिटी सेटल कर दो 3 लाख में और पीएल डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करो और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, एकदम सिंपल है राइट। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूं। ये भी ठीक है, इजी है। चले आइए एक एक करके करते हैं भाई। इलस्ट्रेशन 5, कंपनी का नाम क्या था मैं भूल गया। वैभव लिमिटेड, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ वैभव लिमिटेड जर्नल एंट्रीज आई कैन राइट डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट रुपीस, तुम लोगों पूरा बना लेना बेसिक, और ये पर्टिकुलर्स हो गया इधर में, ठीक है ना। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, तो 2 करोड़ का शेयर कैपिटल है, इसका मतलब 2 लाख शेयर है, हाँ है ना। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है और डिबेंचर 80,000 है, ठीक है ना। सो इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस 100 वाला डेबिट 2 करोड़, 1 0 ज्यादा होगा,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 वाला, तो ये आएगा 80 लाख, डिफरेंस 1 करोड़, 20 लाख कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। सिंपल है, मैंने आपसे 100 वाला शेयर लिया, आपको 40 वाला शेयर दे दिया, मैंने आपसे 100 रुपए वाला शेयर लिया और आपको 40 वाला मैंने आपको शेयर दे दिया, राइट। बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू रुपीस 40 पर शेयर, प्रेफरेंस के साथ भी वही करना है, 60 में लेके आना है इसको, ठीक है। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 100 वाला अकाउंट डेबिट 1 करोड़, 26% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 60 वाला अकाउंट 60 लाख, सेम उसी टाइप का नरेशन आएगा। फाइव परसेंट डिवेंचर, 100 रुपया वाला अकाउंट डेबिट, 70 वाला बनाया, तो 80,000 इंटू 70 कितना होगा, 56 लाख, 56 लाख। पुराना वाला डेबिट, नया वाला कैपिटल या डिवेंचर क्रेडिट, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन, सिंपल फंड आया है, माथा लगाने का ही नहीं अपन को, तीन हो गया हमारा फटाफट, कुछ करना ही नहीं था। अब ये राइट डाउन बोला है, इसके साथ अपन पीएल को भी राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2.5 करोड़ का बोला, रिटर्न डाउन बाय 2 का मतलब होता है गिरा हुआ वैल्यू, तो डिफरेंस इज द फॉल, बाय मींस द फॉल, द गिरावट, 2 का मतलब होता है नया वैल्यू, डिफरेंस विल बी द फॉल, एंड बाई का मतलब द फॉल इट इज, राइट। तो पे बाई बोला है, मतलब 2.5 करोड़ को 30% से गिराना है और करंट एसेट को 90 लाख में लाना है, तो डिफरेंस इज द फॉल, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू में लाना है, डिफरेंस इज द फॉल, पीएल को हटाना है, राइट। आइए, सो अगेन बीइंग डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच रिड्यूस टू रुपीज 70 ईच एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 इंक्रीज्ड, जो भी
अब सारा लॉसेस के लिए एक साथ कैपिटल डिडक्शन को डेबिट कर दो, बाद में आएगा फिगर, टू पीपीई अकाउंट कितना 75 लाख, और 20% से गिराना है। ओके टू करंट एसेट 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है ना। टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ठीक है। पेइंग एसेट्स रिटर्न ऑफ कितना रहा टोटल, 173, बस 1 करोड़ 73 लाख। अच्छा 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है। अब क्रेडिटर के लिए क्या बोला है, बोला है 1 करोड़ का क्रेडिटर है बैलेंस शीट में, उससे मतलब नहीं है। देखो बैलेंस शीट में आपके पास 1 करोड़ का क्रेडिटर है, कैन यू सी, बट बोला उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख वालों से बातचीत चल रही है, 40% वो लोग अपना छोड़ देगा, 40% अपना छोड़ देगा, बोलता नहीं मांगता है। ठीक, अच्छी बात है, नहीं मांगता है तो 40 लाख का 40% मतलब 16 लाख गया, बचा 24 लाख। उसके बदले में उनको 60,000 शेयर चाहिए 40 वाला, तो हो गया ना 24 लाख। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 40 लाख पूरा फुल, क्योंकि पेमेंट भी हो रहा है और वेव भी हो रहा है, वेव वाला प्रॉफिट है। ठीक ये हमारा वेव्ड पार्ट, और ये हमारा हो गया पेड पार्ट। राइट, नॉर्मल जब अकाउंटिंग एंट्री करते थे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है या क्रेडिटर पेमेंट करता है, दोनों ही केस में टोटल अमाउंट से क्रेडिटर डेबिट होता है ना, यहां पर भी वही है। बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड, 40 लाख का क्रेडिटर को हम लोग सेटल कर दिया। टैक्सेशन लायबिलिटी को सेटल किया 3 लाख में, देखो इसका प्रोविजन बना हुआ है 2 लाख। राइट, इनकम टैक्स क्या होता है, आप इस साल जो भी कमाते हैं उस पर टैक्स आप अगले साल देंगे, ये टैक्सिंग अथॉरिटी बोलती है। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिज्म लगाऊं
तो जो फ्यूचर में एक्सपेंस है उसका प्रोविजन कब बनेगा? आज। तो ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स होगा जिसकी फाइनल लाइबिलिटी डिटरमाइन होगी अगले साल। राइट सर, आप हो गए हैं पागल। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। और आप बोल रहे कंपनी लॉस मेकिंग है, पुराना प्रोविजन होगा। कोई केस चल रहा होगा, कंपनी हार गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी, टैक्सिंग ऑथोरिटी के साथ मेरा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तुमको उतना ज्ञान लगाने का दरकार नहीं है। प्रोविजन दिया है ना, इसको पहले लायबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर पे ऑफ करेंगे, खत्म बात। इतना माता घमाने का तुमको कोई दरकार नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हो गया 2 लाख से। टैक्स लायबिलिटी कितना है? लायबिलिटी ज्यादा बढ़ गया ना, तो 1 लाख का क्या हो गया नुकसान। और यहां पे कंट्रोलिंग अकाउंट क्या है? सारा नुकसान कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा। अब सेटल बोला है, बैंक अलग से तो नहीं दिया, बट करंट एसेट का पार्ट होगा, तो रिवैल्यू करने के बाद ये पेमेंट भी हो जाएगा। डन। सो हमारा ये एक दो सब एंट्री हो चुका है। अब आपने को देखना है कि स्कीम परफेक्टली बैलेंस है कि नहीं, राइट? और कोई एंट्री नहीं है, तो हिसाब से अगर देखा जाएगा 1,20,00,000 का प्रॉफिट यहां जनरेट हुआ, 40,00,000 का प्रेफरेंस शेयर में जनरेट हुआ तो 1,60,00,000, 24,00,000 का यहां हुआ तो 1,84,00,000, फिर यहां लॉस हो गया तो माइनस, तो 11,00,000 का नेट प्रॉफिट, फिर 16,00,000 का प्रॉफिट, 27,00,000, फिर 1,00,000 का लॉस, 26,00,000, 26,00,000 का प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व में, 26,00,000 का प्रॉफिट फालतू में। इससे अच्छा इक्विटी शेयर होल्डर से थोड़ा कम वेव करवा लेता, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
सपोर्टिंग में आप इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। 2 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है और इधर में 1 करोड़ 74 लाख का लॉस है। लॉस कहाँ है? क्रेडिट बैलेंस था, उसको डेबिट करेंगे तब ना प्रॉफिट कैपिटल इधर में जाएगा। कैपिटल डिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस है, बट ट्रांसफर करने के लिए तो उसको डेबिट करके प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ना। अब जैसे नेट प्रॉफिट जब कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बट जब नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो एंट्री क्या करते हो जिस अकाउंट ट्रांसफर के टाइम में? तो ये तो ट्रांसफर एंट्री है, लॉस नहीं है ये। दिस इज ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये ट्रांसफर एंट्री ऑफ क्रेडिट बैलेंस कैपिटल रिडक्शन को डाल के तो उसके में तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना। नया बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से फटाफट। दो लाख शेयर था 40 वाला, 100 वाला था उसको 40 वाला बना दिया। प्रेफरेंस को तो प्रेफरेंस दिया, डिबेंचर को डिबेंचर दिया, क्रेडिटर को 24,000 दिया, तो कितना होगा? 2,24,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 40 इच, हाउ मच? 60,000 शेयर्स दिया, माय मिस्टेक, 60,000 शेयर दिया है 40 वाला, तो ये होगा 1,04,00,000। हाँ, और प्रेफरेंस शेयर एक लाख प्रेफरेंस शेयर है, साठ वाला, तो 1,64,00,000। एक आइटम है तो नोट बनाने का कोई दरकार नहीं है। फिफ्टी सिक्स लाख
इधर में क्रेडिटर है 60 लाख, क्रेडिटर 60 लाख, ठीक बोला ना, क्योंकि 1 करोड़ का था। चालीस लाख का क्रेडिटर सेट ऑफ हो गया, और प्रोविजन फॉर टैक्स उड़ गया। पीपीई आएगा 2 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट आएगा 19 लाख का, नब्बे लाख में 3 लाख सेट ऑफ हुआ, रिवैल्यू करने के बाद 3 लाख का टैक्सेशन सेटल हुआ ना, अगर कोई ज्यादा आइटम नहीं है तो आपको नोट्स बनाने का दरकार नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, हाउ मच टाइम यू हैव इन योर हैंड। अगर अच्छा खासा टाइम है, पेपर बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन करोड़ 60 लाख आ गया, 26 लाख देखो बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन 6 देखो, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च, ठीक है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी, इधर में सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ओडी भी और कैश भी है। शेयर दे दिया, डेबिट बैलेंस दे दिया, 9% डिबेंचर दे दिया, पीपी में क्या है वो दे दिया, इंटेंजिबल में पेटेंट कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू सब बता दिया।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है हम 30% कैपिटल दे देगा, बदले में मेरे को 11% प्रेफरेंस शेयर दे दो, सॉरी 11% का डिबेंचर दे दो, डिबेंचर होल्डर बोलता है हमको प्लांट दे दो फुल सेटिस्फेक्शन में, 5 लाख का इन्वेंटरी ट्रेड पेबल बोलता है हमको दे दो, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे और 3 लाख रुपया हम डिबेंचर से उठाएंगे एंड उसको फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट? हाँ स्टार्ट करो, जल्दी हो जाएगा ये हम लोग का, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, राइट और बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करो, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिडक्शन अकाउंट बोल दिया स्पेसिफिकली बनाएंगे एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, राइट ये सब करेंगे। इसके बाद और क्या है, रिवाइज लिमिटेड, ओके आई थिंक ओके शेयर सरेंडर आ गया, ओके ठीक है चलो पहले ये वाला करते हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आइए सो क्वेश्चन एक बार हम लोग को इसमें क्वेश्चन पढ़ने का कोई दरकार नहीं, लाइन बाय लाइन को ऊपर से फिगर मिलाएंगे और करने का है। कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है इलस्ट्रेशन 6 प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है हम अपना 30% गिव अप कर देंगे लेकिन हमको बदले में 11% का डिबेंचर चाहिए, मतलब अब ही डज नॉट वांट टू बी इन द कैटेगरी ऑफ द शेयर होल्डर, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितना, 6 लाख का देखो, राइट 6 लाख का बोलता है 30% हम दे देंगे लेकिन बाकी के लिए हमको डिबेंचर चाहिए, अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अगर ये बोलता है 100 का शेयर को 70 बना दो तो वैसे भी 30% इज गिविंग अप, बट नाउ इफ इज गिविंग अप बदले में उसको बाकी के लिए डिबेंचर चाहिए, ठीक है ना। सो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, बाकी के हमको 11% डिबेंचर्स चाहिए, या पहले आप वो कर लो
टू कैपिटल डिडक्शन होगा 4,20,000, सॉरी फोर कैपिटल डिडक्शन होगा 1,80,000, 4,20,000 जाएगा 11% डिवेंचर में। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल्ड, डन। सिंपल लैंग्वेज है। अब जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर है, एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर है 12,00,000 का, ये बोलता है हमको प्लांट एंड मशीनरी दे दो हम चला जाएगा, तो 12,00,000 का लाइबिलिटी गया, 9,00,000 का प्लांट गया, 3,00,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। सिंपल फंड है। हाँ, सो कितना परसेंट डिवेंचर था ऑलरेडी? 9% डिवेंचर। बारह लाख रुपए तुम जाओ, प्लांट चला जाओ 9,00,000 का, ठीक है। पांच लाख का इन्वेंटरी, पूरा इन्वेंटरी नहीं, 5,00,000 का इन्वेंटरी ट्रेड पेबल को दे दो, तो ट्रेड पेबल हमारे बुक्स में है कितने का? 592। बोलता हमको 5,00,000 का इन्वेंटरी जो हमारे बुक्स, बोला हमको इन्वेंटरी दे दो, तो हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू 5,00,000 है, उतने का ही इन्वेंटरी देंगे, तो 92,000 अगेन प्रॉफिट हो गया। फाइव नाइन्टी टू का क्रेडिटर है, पांच लाख का इन्वेंटरी गया, 92,000 का हमारा ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग गया, ट्रेड पेबल गया, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट प्राइस में लेके आओ, 68 को 55 में लाना है, 13,000 गिराना है। अच्छा, इसके बाद अपने को पीएल लॉस सेट ऑफ करना है, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट।
इन्वेस्टमेंट्स आएगा 13,000, चार लाख पांच हजार पेटेंट्स। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है लेकिन मैंने आपको लिखा है ऑलवेज राइट ऑफ अज्यूम वर्थलेस। सेफ्टी के लिए दे देंगे क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट का बुक में राइट ऑफ नहीं किया है ये लोग, राइट, बट अर्लियर दे यूज टू डू इट। तो अपने को कुछ करना नहीं है क्योंकि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये क्वाइट कॉमन है कि हमारा पुराना नहीं चल रहा है बोल के हम नया सिरे से नया तरीके से हम शुरू करना चाहते हैं, राइट। सो आइदर वे राउंड वर्थलेस, हमने अजम्पशन ही दे दिए, झमेला ही खत्म। सो कितना है, कभी भी आपका नंबर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे नहीं काट सकता इंस्टीट्यूट। कितना आएगा, 488 बीइंग सन्ड्री एसेट्स रिटर्न ऑफ। डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया इशू हुआ है, नया इशू 3 लाख का, ठीक है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्वेश्चन में बोल दिया तो झमेला ही नहीं है, क्वेश्चन से बड़ा बाप कोई है ही नहीं। नहीं बोला तो आप अपना अजम्पशन दे दीजिए, तो ऑलवेज राइट ऑफ वाला टेंडेंसी में रहेंगे। ये सब फालतू है, किस बात का पेटेंट भैया, आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसका अलग से आपको करना पड़ेगा। अब इस पैसे से हमने बैंक को डी चुकाया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्वेश्चन में बोला है कि आपने फंड रेस किया उससे बैंक को डी चुकाया है, तो बैंक ओडी नॉर्मल जनरल एंट्री है ब्रो, 1.5 लाख का बैंक ओडी है। सो बैंक ओडी डेबिट टू बैंक, बीइंग ठीक है, राइट, कोई झमेला नहीं है। अब फटाक से हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं, झमेला हो जाएगा, फिनिश क्विकली। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट से 1,80,000 प्रॉफिट जनरेट हुआ है, डिबेंचर वाले से 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ है,
इससे 92,000 जनरेट हुआ है। कितना था हमारा टोटल सन्ड्री एसेट्स का? फोर 488। सो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, एक जनरल एंट्री का जगह छोड़ देना, गलती हो गया, छोड़ नहीं पाया मैं। कितना आ रहा है डिफरेंस? हाँ ये हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तुम्हारा बुक में देखना 1,54,000 होगा, दिखाता हूं देखो। ये देखो पेटेंट राइट ऑफ नहीं किया ना, ठीक है। सो लॉजिक क्लियर है हमारा, तो यहां एंट्री करेंगे हम कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना 84,84। बैलेंस शीट इसका होमवर्क रहेगा। छोटा सा समय भी देखो 10-11 एंट्री हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय।